अब आ जाओ जी थायराइड डायूरेटिक्स के ऊपर। एक मेरे पास टर्म आएगी थायराइड लाइक डायूरेटिक्स और एक टर्म आएगी थायराइड डायूरेटिक्स। अच्छा, थायराइड लाइक डायूरेटिक्स को मैं कुछ देर में अभी डिस्कस करूँगी। पहले देख लो जी, मैंने जब अपनी लिपिन कोट खोली, मुझे लिपिन कोट में एक टेबल मिला। टेबल में है यू हैव दी थायराइड डायूरेटिक्स, उसके अंदर नाम मेंशन है क्लोरथायराइड, क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरथायराजाइड एंड दी मेटोलाजोन। ठीक है, ये नाम मिल गए। बच्चों ये एंटी हाइपरटेंसिव्स का जो चैप्टर है इसमें डायूरेटिक्स कम डिटेल में, आगे जाओगे तो डायूरेटिक्स मज़ीद डिटेल में आएंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं फ़िलहाल। तो भाई मैंने टेबल खोला, टेबल में मुझे ये चार नाम मिल गए, लेकिन आई नो वी हैव थायराजाइड्स प्लस वी हैव थायराइड लाइक डायूरेटिक्स। तो इसमें थायराइड्स कौन से हैं, थायराइड लाइक डायूरेटिक्स कौन से हैं? तो बच्चों यहाँ जहाँ पे आपको स्टार का साइन नज़र आ रहा है, जिसमें क्लोरथायराजाइड और हाइड्रोक्लोरथायराजाइड है, दीज आर दी कॉमनली यूज थायराइड डायूरेटिक्स। वाइल क्लोरथैलिडोन एंड मेटोलाजोन दीज आर थायराइड लाइक डायूरेटिक्स। ओके, अब थायराइड लाइक डायूरेटिक्स क्या है इसको भी मैं डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल जी मैंने पढ़ लिया जी वी हैव थायराइड डायूरेटिक्स या थायराइड लाइक डायूरेटिक्स का भी मोड ऑफ एक्शन सेम है। अब मैं आ जाती हूँ बच्चों मोड ऑफ एक्शन की तरफ। अब ये जो मेरे डायूरेटिक्स हैं बेसिकली कहाँ पर एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट ऑन दी डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब जी पूरे मेकानिज्म के डिटेल में जाने से पहले याद रख लो, आपके थायराइड्स जो हैं दो तरीके कार से अपना मोड ऑफ एक्शन एग्जर्ट करते हैं। पहला काम ये क्या करेंगे कि डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेंगे, वहाँ से जी सोडियम और साथ ही साथ क्या करेंगे क्लोराइड आयंस की रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि ये जो दो आयंस हैं वापस ब्लड में नहीं जाएंगे बल्कि आपके ट्यूब्यूल्स में डिटेन हो जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि यही डायूरेटिक्स डिक्रीज करेंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी, तो जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये दो मोड ऑफ एक्शन हैं। अच्छा जी, फर्स्ट मैकेनिज्म की तरफ आओ। मैंने कहा जी थायराइड डायूरेटिक्स हैं या थायराइड लाइक डायूरेटिक्स हैं, क्या करेंगे कि आपको जी नेफ्रोन पे एक पार्ट मिल रहा है, दैट इज़ द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पर जाकर एक्ट करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे सोडियम और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन को कर देंगे इनहिबिट। ठीक है, पूरा नेफ्रोन का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अच्छा, अब जी ये काम हो गया डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, जिसकी वजह से डेफिनेट सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा और जी लेस वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी होगी, वाटर और सोडियम जो है वो आपका ट्यूब्यूल्स में डिटेन रह गया, वापस ब्लड की तरफ नहीं गया। अब ट्यूब्यूल में है तो ज़ाहिर भी एक्सक्रीट कर जाएगा। ठीक है, अब ब्लड में तो भी आपका वाटर नहीं गया, ये तो ऑप्शन नहीं ना होगी, तो भाई ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा और अंडरस्टूड सी बात है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। अब जी क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज वीनस रिटर्न, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, फ्लूइड कम जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी कम होगा और कार्डिक आउटपुट कम होगा तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा, साथ ही साथ बच्चों क्या हो रहा है रीनल ब्लड फ्लो भी हो जाएगा कम। अब जी लॉन्ग टर्म यूज़ करने से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म यूज़ करने से अब क्या हो गया, अल्टीमेटली तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया ना, तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है नॉर्मल वैल्यू पे रिटेन हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यू अप्रोच कर लेगा, अब उसी पे वो सस्टेन रहेगा। अब जो थायराइड डायूरेटिक्स का एक मोड ऑफ एक्शन इस स्टेज के ऊपर रह गया है वो ये रह गया है कि इसने क्या करना है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को करना है डिक्रीज। अब हाइपोटेंसिव इफेक्ट आपके इन डायूरेटिक्स का सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, आपकी डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, अब जी ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे होगी, आप रिसर्च आर्टिकल्स देखो, वहाँ पे जो आपको एक फैक्ट मिलेगा कि ये डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ द पोटाशियम चैनल्स। जैसे ही पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन हुई एंड सबसिक्वेंटली देर विल बी द वेजो डायलेशन, जिसकी वजह से आएगा हाइपोटेंसिव इफेक्ट। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ जाएं जी कि अगर तो मेरा रीनल कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, ठीक है, अगर तो जी रीनल कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उसका इनएडिक्वेट किडनी फंक्शन है, तब मैंने थायराइड डायूरेटिक्स इस्तेमाल नहीं करने। पर भाई हर जगह आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो है ना, तो यहाँ आपके पास है मेटोलाजोन, मेटोलाजोन, मेटोलाजोन क्या था थायराइड लाइक डायूरेटिक। अब मेटोलाजोन क्या करेगा, आप इसको जी अगर आपके पेशेंट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस है 30 ml पर
मिनट पर मीटर स्क्वायर, तब भी आप इसे इस्तेमाल करो। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस इसकी कम है 30 ml पर मिनट से, तब भी आप मेटालाजोन को इस्तेमाल कर लो। इसकी काइनेटिक स्टडीज़ करने से पता चला जी आप इसको यूज़ कर लें, लेकिन अल्टीमेटली भी आप किडनी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर उसकी कंडीशन एग्जैजरेट कर गई है तो क्या होगा, ड्रग एक्यूमुलेट कर जाएगी, और ड्रग एक्यूमुलेट करेगी तो उसकी वजह से डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। सो मेटालाजोन के एक्यूमुलेशन से आपके पास कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आएंगे, दैट विल बी डिजीनेस, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, हेडेक होगा पेशेंट को, मसल क्रैम्स होंगे, जॉइंट पेन होगी, स्वेलिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, और बाज़ दफ़ा डायरिया भी हो सकता है। देखो कॉन्स्टिपेशन डायरिया ऑपोजिट है ना, सो ये जी एक्यूमुलेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ गए। अब बात आ जाती है कि आपकी मेटालाजोन कौन कौन सी कंडीशन में इंडिकेटेड है, कौन कौन सी कंडीशन में आप इस बच्चों ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो डेफिनेटली हाइपरटेंशन पर, हाइपरटेंशन में, एडिमा में, CHF में यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, और किडनी डिजीज़ के अंदर अभी मैंने डिस्कस किया ना, इस्तेमाल कर लो। लेकिन भी अगर पेशेंट की सीवियर कंडीशन है तब इसने एक्यूमुलेट करके एडवर्स इफेक्ट्स आपको दे देना है। अब ये भाई किडनी डिजीज़ भाई किस हद तक की किडनी डिजीज़ में आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, देखो ना इसको इस्तेमाल जो करना है अल्टरनेट के ऊपर भी तो हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जी लिटरेचर क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे है, इन द केस ऑफ एन यूरिया, ए रिप्रेजेंट करते हैं ना एब्सेंस को, एब्सेंस ऑफ द यूरिन। अगर तो किडनीज यूरिन की फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, एन यूरिया की कंडीशन क्या है, नॉट फॉर्मिंग द, नॉट एक्सक्रीटिंग द यूरिन। एन यूरिया क्या है, इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ एक्सक्रीटिंग, इफ़ योर पेशेंट इज़ एक्सक्रीटिंग लेस देन 100 ml पर डे ऑफ द यूरिन, तो आप उसे डिक्लेयर कर दोगे ही सफरिंग फ्रॉम एन यूरिया। तो बच्चों कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी है एन यूरिया में। अब ये एन यूरिया की कंडीशन आती कब है भाई, जब किडनी में स्टोन्स हो जाएँ, किडनी में किसी किस्म का कोई ट्यूमर बन जाए, स्टोन्स हो जाए, ट्यूमर बन जाए, या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के अंदर भी एन यूरिया की कंडीशन बच्चों आपके पास आ जाती है। अब जी ये जो मेरे पास थायराइड डायूरेटिक्स हैं, इसको हम करते हैं इस्तेमाल कम्बिनेशन में। किसके कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करोगे, बीटा ब्लॉकर्स के साथ, ACE इनहिबिटर्स के साथ, ARBs के साथ, और पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ इस्तेमाल करोगे। अब हम देख लेते हैं मार्केट में कोई एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको थायराइड डायूरेटिक्स और किसी और ड्रग क्लास का कम्बिनेशन मिलेगा। भई हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है ब्रांड दैट इज़ को ईजी डे बाय दी वेरिक, ठीक है, बाय दी वेरिक कंपनी। अच्छा जी को ईजी डे के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपको मिलेगा दिस प्रोडक्ट, दिस थायराइड डायूरेटिक दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोथायराइड, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय HCTZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका कम्बिनेशन है को ईजी डे में अलॉन्ग विद दी लोसार्टन। लोसार्टन की ड्रग क्लास क्या है, दैट इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब को ईजी डे के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा 100, को ईजी डे 100, ये 100 क्या है भाई, को ईजी डे आपके पास ब्रांड है, इसके अंदर जो आपको थायराइड डायूरेटिक कितना मिला, 25 mg। कौन सा थायराइड डायूरेटिक, दैट इज़ हाइड्रोक्लोर थायराइड, ठीक है, दैट इज़ 25 mg। इसके अंदर लोसार्टन कितना है, दैट इज़ 100 mg, और ये आपके पास फिल्म कोटेड टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। आप खरीदने जहाँ आपको एक पैक कितने का मिलेगा, ऑलमोस्ट जी 250 rupees की ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स आपको मिलेंगी, क्लियर। सो अब जी हम आएंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स के ऊपर।